वेलकम इन सेलेस आई टी आई क्लासेस। आप सभी दोस्तों का सेलेस आई टी आई क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, एक बेहतरीन रिक्रूटमेंट जो कि कैंपस प्लेसमेंट का है और ढेर सारी कंपनियां यहां पे आपको सेलेक्ट करने के लिए आ रही हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं बताने वाला हूं कि इसमें सिलेक्शन कैसे पाना है, कौन कौन ट्रेड वाले एलिजिबल हैं, कौन कौन डिग्री वाले इसमें एलिजिबल हैं, कितना सैलरी मिलेगा, एज क्राइटेरिया होगा और एड्रेस क्या होगा, डेट क्या होगा, इन सभी चीज़ों का मैं जानकारी दूंगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह के बेस्ट प्लेसमेंट वीडियो नोटिफिकेशन एंड जॉब लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में आपको जो भी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं, तो मैं बता दूं कैंपस प्लेसमेंट का स्थान जो है, जो एड्रेस है, कहां पे होगा, तो ये राजकीय आईटीआई सिद्दीकपुर जौनपुर, यानी कि वाराणसी के पास एक जौनपुर जिला है उत्तर प्रदेश में, वहीं पर आपका यह सिलेक्शन होने वाला है। इसमें दो तरह की कंपनी आ रही है दोस्तों, मैं बता, तो एक अप्रेंटिस के लिए अलग से कंपनी आ रही है और जॉब आपको देने के लिए अलग से कंपनी आ रही है। दोनों एक ही दिन आएगी और एक ही प्लेस पे, राजकीय आईटीआई सिद्दीकपुर जौनपुर वाराणस के पास, यह जिला है उत्तर प्रदेश में, वहीं पे ये कंपनियां सब आ रही है। ढेर सारी कंपनियां आप लोगों के लिए, ढेर सारा जॉब जो वैकेंसी सीट है वो बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग ले, ताकि सभी को लाभ मिल सके। अपने दोस्तों को, अपने जितने भी ग्रुप है आपके फ़ोन में, उन सभी ग्रुपों में वीडियो को डालें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच के, कई कंपनियाँ हैं तो उन सभी में बेस्ट जॉब अपने लिए पा सकें। उसके बाद से जॉब के लिए कंपनी का मैं नाम बता दूं तो मिंडा लिमिटेड एक कंपनी है, वो भी आ रही है, मदरसन ग्रुप कंपनी है, वो एशियन ऑटोमोटिव कंपनी है, शिव शक्ति लिमिटेड कंपनी है और एलएनटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी कि मिंडा एक, मदरसन, एशियन ऑटोमोटिव, शिव शक्ति और एलएनटी, पांच कंपनियां आपका हो गई जो जॉब के लिए आ रही हैं। कहाँ पे? तो राजकीय आईटीआई सिद्दीकपुर जौनपुर बनारस जिला के पास। और अप्रेंटिस का मैं बात करूँ, अप्रेंटिस जो बच्चे करने चाहते हैं किसी भी प्राइवेट संस्था या गवर्नमेंट संस्था से, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, चाहे आप प्राइवेट से आप अप्रेंटिस करेंगे या गवर्नमेंट से करेंगे, आपका बोर्ड जो गवर्नमेंट से कर रहा है उसका और जो प्राइवेट से कर रहा है सबका बोर्ड, अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल है, सबका सर्टिफिकेट सेम होगा, बस आपका ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट होगा वह गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपका सर्टिफिकेट सेम होगा। तो अप्रेंटिस के लिए आप इस यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कि देख सकते हैं हिल लिमिटेड जौनपुर और पीडब्ल्यूडी जौनपुर, ये दोनों आपको अप्रेंटिस के लिए वहाँ पे प्लेसमेंट में रहेंगे। और जो बच्चे अप्रेंटिस करना चाहते हैं, इन दोनों कंपनियों में अपना इंटरव्यू देके सिलेक्शन ले सकते हैं। दिनांक मैं बता दूँ, दिनांक आपका 15 मार्च 10 बजे सुबह से होगा ये कैंपस प्लेसमेंट। तो आपके पास ज़्यादा नहीं समय है, 2-3 दिन और बचे हैं, तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अभी से इसी टाइम से वीडियो शेयर करना शुरू कर दिए, ताकि बहुत ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और वो सभी लोग भाग ले सके। चयन प्रक्रिया क्या आपको मैं बता दूँ, तो परीक्षा यानी कि इंटरव्यू और रिटन टेस्ट ये लोग ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचेंगे तो ज़्यादा सिलेक्शन इंटरव्यू पे ही हो जाएगा, आप लोगों के लिए यह बेस्ट रहेगा। कंपनी का मैं विवरण बता दूं और सैलरी सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और पूरा डिटेल्स मैं दूंगा कि कैसे सिलेक्शन लिया जाता है कैंपस प्लेसमेंट में, क्या क्या आपको करके जाना चाहिए। ये पहला आपका कंपनी का नाम है मिंडा, जो कि लिमिटेड बवल हरियाणा में है, और एज इसमें लिमिट कह रहा है कि 18 से 26 वाले इस कंपनी में भाग ले सकते हैं। इसमें ट्रेड आपका है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक और फिटर, तीन व्यवसाय, यानी कि ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक और फिटर वाले मिंडा भवल हरियाणा जो लिमिटेड कंपनी है उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की मैं बात करूँ तो 10,294 रुपये आपको पर मंथ देगा, और इसमें आपका जो वैकेंसी सीट है वो 100 सीट है, तो ये बेहतरीन है। ऐसा नहीं, अगर अच्छे आप परफॉर्मेंस आप लोगों का भी है, बेस्ट कैंपस सिलेक्शन में रहा, तो वो लोग ज़्यादा लड़के भी ले सकते हैं, उनको अच्छा माहौल मिलना चाहिए, अच्छे इम्प्लॉय मिलना चाहिए, इससे भी अधिक सीट वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से आप सेकेंड देख सकते हैं कि मदरसन ग्रुप नोएडा यूपी की ही कंपनी है, ये भी 18 से 26 वाले एज को ही लेगी, इसमें भी इलेक्ट्रीशियन मशीनिस्ट वालों को इसमें मौका दे रहा है, और फिटर इसमें भी है। यहाँ पे आपको 10,800 सैलरी मिलेगा और 75 यहाँ पे आपका वैकेंसी सीट है। उसके बाद से थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड है आपका एशियन ऑटोमोटिव हरियाणा प्राइवेट लिमिटेड, जो कि
28 से 26 एज होगा इसमें, और इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, फिटर, टर्नर, मोटर मैकेनिक जो व्हीकल वाले हैं ये इसमें आप देख सकते हैं कि 5 ट्रेडों को ये कंपनी मौका दे रही है। सैलरी आपका मिलने वाला है 10,000। आप ये मत सोचे कि बहुत 10,000 कम है, नहीं, आप जाइए कंपनी में सिलेक्शन लो यार, आप कंपनी में जाएंगे अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दिखाइए ना, सैलरी तो यूँ बढ़ जाता है 2 से 3 महीना में आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपका परफॉर्मेंस वहाँ पर बेस्ट होना चाहिए, उनको लग ऐसा लगे कि हाँ आप स्किल है, स्किल आपके अंदर है, तो सैलरी भी बढ़ जाएगा और आप परमानेंट भी हो जाएंगे। पहले सिलेक्शन लीजिए, कहीं आप सिलेक्ट होइए, कुछ अपना करमात वहाँ जाके दिखाइए अपने स्किल का, तो आपको हर एक चीज़ मिलेगा आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद से मैं फोर्थ बता दूं, L&T लिमिटेड है जो कि दिल्ली NCR में है, और ये 18 से 35 वर्ष वालों को एलिजिबल कर रही है। तो इसमें जितने भी बच्चे हैं जो कि बहुत उम्र की वजह से या किसी भी तरह से छट जा रहे थे, तो इसमें बहुत बढ़िया ऑफर है आप लोगों के लिए कि 18 से 35 है लगभग लोग इसमें आ जाएंगे, जिसमें ट्रेड भी बहुत ज़्यादा है, कंपनी बेहतरीन है, L&T कंपनी बहुत बड़ी देश की एक कंपनी है, तो इसको न छोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग ले। बिल्डर है, प्लम्बर है, ड्राफ्ट्समैन है सिविल से, और कारपेंटर है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, तो इसमें ज़्यादा 9-10 ये ट्रेडों को इसमें मौका दे रहा है। मैंने बताया था बहुत बढ़िया वैकेंसी बताने वाला हूँ इस कैंपस प्लेसमेंट में। आप लोग बस एक काम करें, जितने भी आपके फ़ोन में व्हाट्सएप में ग्रुप है, सभी में ग्रुप में इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें, ताकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेरोज़गारी से इतना परेशान है, उन तक ये पहुँचाएँ और वो लोग इसमें भाग ले सकें। इसकी सीटों की बात करूँ तो इसमें भी सीट 100 है, लेकिन ये कंपनी इतनी बड़ी है कि अगर अच्छा कैंपस में माहौल रहा, अच्छे स्टूडेंट दिखेंगे, तो ये लोग सीट बढ़ा लेंगे। इन लोगों के हाथ में ये कैंपस प्लेसमेंट है, ये इंक्रीज किया जा सकता है, इसको आप ना सोचें। उसके बाद से शिव शक्ति प्राइवेट लिमिटेड जो कि बनारस की ही कंपनी है, ये तो और अच्छी कंपनी है कि आपको बनारस में ही ये जॉब मिल जाएगा। 19 से 35 वर्ष वाले इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि जिनका एज क्रॉस हो गया है, 30 हो गया है, वो लोग को बहुत कम जगह कैंपस प्लेसमेंट में चांस मिलता है, आप लोग खुद सोच सकते हैं। तो यहाँ पे 35 दे रहा है, इसको मिस मत करिएगा। यहाँ पे मैं बता दूँ कि 12th वाले भी भाग ले सकते हैं और ITI वाले भी भाग ले सकते हैं, दोनों के लिए वैकेंसी है, और इसमें 8,050 से लेके 16,000 रुपया तक आपको देगी यह कंपनी। इसमें वैकेंसी की सीट है जो 50 है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, L&T कंपनी का एक कंडीशन है कि 3 माह प्रशिक्षण के पश्चात आपको 12,050 रुपया इसमें मिलना शुरू हो जाएगा, और टाइम टू टाइम इसमें बढ़ता रहता है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, हम तो यही करेंगे कि ताकि आप लोगों की वजह से किसी न किसी व्यक्ति तक, किसी स्टूडेंट तक पहुँचे, हुआ इसमें भाग लेके नौकरी पा जाए, तो कितना आपको वह थैंक्स कहेगा और कितना आपको दुआ देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। उसके बाद से देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की मैं बात करूं, क्या क्या लगने वाला है, तो इसमें 12वीं इच्छुक अभ्यर्थी जो कि उपरोक्त पूर्ण कर चुके हैं यानी कि पास हो चुके हैं, वो अपना मूल प्रमाण पत्र उसका एक जीरोक्स ले लेंगे, एक बायोडाटा बनवा लेंगे, फोटो ले लेंगे, और आधार कार्ड, राजकीय ITI सिद्धिकपुर जौनपुर के कैंपस के में समय से उपस्थित होकर कैंपस सिलेक्शन या अप्रेंटिस मेले में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें, तो आप लोग वहाँ जाके इन सभी, आपको क्या लेना है, 10th का 12th का मार्कशीट उनका जीरोक्स ले लेना है, ITI का मार्कशीट उसका भी जीरोक्स लेना है, एक CV यानी कि बायोडाटा बनवा लेना है, एक अच्छा सा बायोडाटा, ताकि सिलेक्टर जब देखे तो उनको लगे कि हाँ इसको हम रिजेक्ट कैसे करें, इस पर सोचने पे मजबूर हो जाए, वो ये ना देखे कि इसको सिलेक्ट नहीं करना, वही इस पर सोचने पे मजबूर हो जाए कि इसको रिजेक्ट क्यों करें, इतना अच्छा बायोडाटा बनवाइए। उसके बाद से आप 3-4 फोटो को ले लीजिए, एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, बेस्ट है आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंटों के साथ आप 15 मार्च को ये गवर्नमेंट ITI जो आपका सिद्धिकपुर जौनपुर में है, वहाँ पे आप इस एड्रेस पे पहुँच जाएंगे, और वहाँ के जो अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मिस्टर SK सिंह कुशवाहा जो कि प्लेसमेंट वहाँ के इंचार्ज होंगे, और मिस्टर आशीष सिंह अप्रेंटिस इंचार्ज होंगे, और आप ये दोनों लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे रोजगार अप्रेंटिस मेला राजकीय ITI सिद्धिकपुर जौनपुर में। तो दोस्तों ये बेहतरीन है अप्रेंटिस के लिए,
जो मैंने कंपनी में बताया था कि हिल लिमिटेड जौनपुर की कंपनी है और PWD जौनपुर, ये दोनों आप लोगों के लिए अप्रेंटिस वाले बच्चों को भी सिलेक्शन के कार्य करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, वहाँ पे भाग लें और इसी तरह के वीडियो और इसी तरह के लेटेस्ट जॉब और नोटिफिकेशन ITIT से रिलेटेड और नोटिफिकेशन के लिए शैलेश ITI क्लासेस को देखते रहें, लाइक करते रहें और चैनल को शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।